मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे एसएमसी शिक्षकों से मिले, उनके लिए जल्द कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे काफी लंबे समय से दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं, उन्हें वेतन भी काफी कम मिलता है। वर्तमान सरकार ने आते ही उनके वेतन में 2,000 रुपए का इजाफा किया, जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में मात्र 1,500 रुपए बढ़ाए थे। उन्होंने कहा कि इनकी समस्याओं को सुनने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और किस आधार पर इनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा वह तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, ये जो शिक्षक है, कोई 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है, कोई 18 साल से पढ़ा रहा है, और कईयों को बहुत कम पैसा मिलता है, 6,000 रुपया मिल रहा है, 7,000 रुपया मिल रहा है। हमारी सरकार ने बजट में इनको पैसा बढ़ाया है, 2,000 रुपया हमने एक मुश्त बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल में 1,500 रुपया बढ़ाया, हमने पहले साल में बढ़ाया। और इनकी जो ग्रीवेंसीज है उसको सुनने के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई है, और किन आधार पर इनको पर फैसला किया जाता है वो तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। और काफ़ी सालों से ये वहाँ शिक्षा दे रहे हैं जहाँ कोई टीचर नहीं है, और इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि इनको कैसे आगे क्या किया जा सकता है। हमारी सरकार इस पर विचार कि अभी तक जो नियमितीकरण है इनका नहीं हो पाया। नियमितीकरण में तो अभी हमने सोचना है कि कैसे हमें नियमितीकरण में आगे बढ़ना है या कुछ और करना है, या कितने सालों से का हमने फार्मूला अपनाना है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी है कि कुछ टीचर है जो 6 साल में रेगुलर हो गए, और कुछ टीचर है जो 12-12 साल से एसडीएम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी समय अपना पढ़ाई के लिए दिया है और काफ़ी समय से इनका है, तो जो इनके थोड़े बहुत जहाँ भी हम कुछ करना पड़ेगा हम उसको देखेंगे। सर, धर्मशाला में एक जो है घटना